हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मध्य प्रदेश से एक राहत भरी खबर, अच्छी खबर आई है। यहाँ कोरोना से लड़ने के लिए प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हुई है। प्लाज्मा थेरेपी हाल फिलहाल चर्चा में आया है क्योंकि कहीं न कहीं कारगर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबलपुर की रहने वाली सुनीता अग्रवाल कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आएंगे। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, हमारे संवाददाता ब्रजेश राजपूत ने मध्य प्रदेश की पहली प्लाज्मा डोनर सुनीता अग्रवाल से बात की है। आप भी सुनिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ऐसे लोग प्लाज्मा शेयर करने के लिए आगे आए। भोपाल के चिरायू अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के मरीजों का इलाज शुरू हुआ है और जो पहली डोनर है वो हमारे साथ हैं, सुनीता हैं, और ये जबलपुर से आई हैं सिर्फ अपना प्लाज्मा देने के लिए। फ्रेंड के थ्रू मुझे मालूम चला कि भोपाल में एक है पेशेंट है जो गंभीर है, अगर आप उनको प्लाज्मा अपना दोगी तो शायद सही हो जाएंगे। तो उनको मालूम चला कि हमारा बी पॉजिटिव है तो हमारा लग जाएगा, तो हमने हाँ कर दिया। पहले तो मालूम चला कि जबलपुर में ही देना है, फिर डॉक्टरों से बात हुई तो उनने कहा नहीं भोपाल ही आना पड़े। और यहाँ भी डॉक्टर जो हैं चिरायू के बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत 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 हम लोगों को हर चीज़ से मतलब सपोर्ट किया। अभी आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि जिनको प्लाज्मा दिया गया है वो बेहतर तरीके से रिकवर कर रहे हैं, कैसा लग रहा है सुनकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बस भगवान से यही दुआ है वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। मध्य प्रदेश में पहली बार प्लाज्मा थेरेपी से जहां इलाज हो रहा है उसमें अपना योगदान दिया है। जबलपुर से भोपाल आई हैं और अब फिर वापस लौट रही हैं, मगर निश्चित ही इन्होंने वो काम किया है जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल। सबसे पहले आपको कोरोना पर अपडेट दे देते हैं, हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया में कोरोना की क्या हालात है, कोरोना की वजह से क्या हालात हैं वो आपको बताते हैं और आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में किस तरह से कोरोना ने अपना कहर बरपा रखा है। ये देखिए दुनिया का नक्शा आ गया, 10,63,351 मरीज अकेले अमेरिका में है और तकरीबन 56,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में 2,36,000 मरीज हैं, इसके अलावा इटली में 2,35,191 मरीज हैं, फ्रांस में 1,66,000 मरीज हैं और 24,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ये देखिए आप, जर्मनी 1,61,000 मरीज हैं और 6,405 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन का आंकड़ा देख लीजिए, 1,65,000 मरीज हैं, 26,000 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज़्यादा तेजी से मौतों वाला देश बन गया है ब्रिटेन पिछले 15 दिनों के भीतर। भारत में 31,787 मरीज हैं और 1,008 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये आपको हमने देश दुनिया की आंकड़ों की नज़र से दिखाया। भारत का आंकड़ा आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, 31,787 मरीज हैं, सबसे ज़्यादा 9,318 मरीज महाराष्ट्र में है, 3,314 दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में 2,115 हैं, राजस्थान में 2,364 और मध्य प्रदेश में 2,561। यानी कि सबसे ज़्यादा मरीजों वाले राज्यों में गुजरात भी है, 3,774 मरीज हैं, तमिलनाडु में 2,058, तेलंगाना में 1,012, बिहार में 383 मरीज हैं अब तक। कुल मिला के जो विदेशी मरीज हैं और देशी मरीज हैं वो भी आंकड़ा आपको दिखाते हैं, 7,697 लोग अब तक कोरोना के संक्रमण से पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घरों को भी लौट चुके हैं। तो ये जो आंकड़ा है ये तकरीबन 23.5% का है। तो आपको हमने आंकड़ों की नजर में बताया कि देश दुनिया में कोरोना का कहर किस तरह है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।